সামারে যার কইয়া भैया, बहुत आप लोगों ने कान हमारी आवाज में सुना है और आप लोगों के बीच ये कौर हम कांड भेजत बाने। वैसे तो रोज तमाम कांड होत हो, कितना गावल जाए, लेकिन बरसक हम अपना बिरहा के माध्यम से हर बिरहा में एक नया चीज आप लोगों के देवे के कोशिश करी ला और आप लोगन के दुलार प्यार आशीर्वाद मिलेला। एक खातिर हम ओम प्रकाश सिंह यादव एंड पूरी पार्टी बक्सर बिहार आप लोग के बहुत बहुत आभारी बाटे। सब भाई भोजपुरिया भाई के बिरहा सुनने वाला लोकगीत सुनने वाला भैया लोग के हमरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बाटे। दिल से एक बार गीत के सुनब तम के आशा ना बल्कि विश्वास बा। आँख से आंसू आवे न आवे, इंसानियत नाम का सीने के अंदर दिल होगा तो कलेजा पसीज जाएगा। ध्यान देंगे, ए बिरहा का हम शीर्षक रख ले बानी हिंदुस्तान से पाकिस्तान। गाना का शीर्षक रख ले बानी हिंदुस्तान से पाकिस्तान। एक और ऐसी कहानी मिली है बाबू, चार लाइन कवि जी भूमिका दिए हैं क्या। राजनीति के लवर को लगा देश में, भाई भाई को दुश्मन बनाया गया, बेसहारों का गुलशन जला घर चमन, अपने घर में दिवाली मनाया गया, आजादी दे गांधी स्वर्ग को गए, बह रहा है धरा पे लहू बन के पानी, ओ खड़ा रोंगटे यह भरता जिगर, अश्क आंखों में भरता है सुनकर कहानी। यहाँ एक लाइन तर्ज हो का गजल का लाइन मा मास्टर, वह तर्ज हो कि जहाँ आदमी बिकाला, जहाँ आदमी बिकाला उपजा किनारा, जे डूबू गई किनारा मझधार। हम एगो बात कहिला, जे डूबू गईली किनारा, जे डूबू गईली किनारा मझधार ना कहाला। ए भैया, जहां पानी ना मिलेला, जहां पानी ना मिलेला उदुआ Yeah.
से बात के शुरुआत हो गल। राजनीति के ऊपर कवि जी कुछ दर्शौले हूँ आप लोगन के सामने। आज के राजनीति कैसन हो गई, आज के राजनीति करे वाला लोग कैसन हो गई, बाहरे राजनीतिज्ञ कवि को लिखना पड़ा क्या कि राजनीति के पुजारी, राजनीति के पुजारी ये वतन भी बेच देंगे, राजनीति के पुजारी ये वतन भी बेच देंगे। राजनीति के पुजारी, राजनीति के पुजारी ये वतन भी बेच देंगे, मौका मिला अगर तो, मौका मिला अगर तो ये कफन भी बेच देंगे, मौका मिला अगर तो। राजनीति में और आज के राजनीति में बाबू अंतर है। पहले के राजनीति करने वाले कैसे थे, आज के राजनीति करने वाले कैसे हैं? पहले के राजनीति करने वालों का कोई नीति थी, कोई धर्म थी, वो राजनीतिज्ञ थे, और आज के राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ न इनकी कोई नीति है न कोई धर्म है। तो कवि को लिखना पड़ा पहले के राजा कैसन होत रहलन और आज के राजा कैसे होत हुन, पहले के राजा कैसे होत रहलन आज के राजा कैसे होत रहलन। नजम के लाइन में दिहल गल का पहले राजा पैदा होते थे राज बेटी से, पहले राजा पैदा होते थे राज बेटी से, आज राजा पैदा होते हैं मत की पेटी से। पहले के राजा कोनो रानी के पेट से जन्म लेत रहल, उहे राजा होकर आज के राजा हम आप लोग अपन बहुमूल्य वोट दे के मत दे के राजा बना दिहल जाता। यही से कवि के लिखे के पड़ल का पहले राजा पैदा होते थे राज बेटी से, आज राजा पैदा होते हैं मत की पेटी से। इतने ना पहले के राजा में आज के राजा में भी अंतर बा। पहले राजाओं का नीति और रीति रही, पहले राजाओं का नीति और रीति रही, अपनी जनता से अगाध प्रेम प्रीत रही। लेकिन आज के राजा कैसन होते हुए, आज का राजा जी शान और शोहरत से कराहती जनता है आवाज भरी नफरत से। बाबू हम बताइला कि बिरहा का मूल चीज कहानी होखेला, कहानी से दिमाग से हट जाई ओम प्रकाश का बिरहा सुनल व्यर्थ हो। एकदम बिरहा हमार सीसा जैसन झलके लगी, सीसा में जैसे सूरत लौकेला साफ साफ सबके समझ में चली आई। कहानी कहवा से लिहल गई, गोधरा कांड हिंदुस्तान को झकझोर दिया, गोधरा कांड हिंदुस्तान को झकझोर दिया,
हजारों जिंदगी को रास्ते से मोड़ दिया। अरमान का यरमा दफन हो गया है सीने में, अरमान का यरमा दफन हो गया है सीने में, तनिक भयभीत नहीं जहर को भी पीने में। इंसान का अधिकार है आजादी पर, हर इंसान का अधिकार है आजादी पर, बचाना देश होगा जा रहा बर्बादी पर। यहां से बात का शुरुआत बा, आखिरी कहानी कहां से लिहल गई आप लोग के खूब पता हुई, पेपर पत्रिका अखबार आए दिन आप लोग रोज पढ़ते हैं। गोधरा कांड याद होगा बाबू, 27 फरवरी सन 2002 को हिंदुस्तान के अंदर गोधरा कांड हुआ, गुजरात के अंदर। एक बार पूरा हिंदुस्तान को झकझोर करके रख दिया, हजारों जिंदगी बर्बाद हो गई, कितने मां का गोद सुना हो गया, कितने मांगों का सिंदूर धुल गया बाबू। 27 फरवरी सन 2002 के गोधरा कांड भइल, ध्यान दिहन तनी, गुजरात के अंदर हिंदुस्तान के एक बार झकझोर के रख दिया लस गोधरा कांड। लेकिन ओ समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था याद होगा आप लोगों को, यही इस समय जो हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उस समय वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के शासनकाल में गोधरा कांड हुआ था। इतना हलचल भइल गोधरा कांड के कि गुजरात के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट छिड़ गया, जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी वहां मुसलमान मारे गए, और जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी बाबू वहां बेचारे हिंदू मारे गए। यही मारफात में हिंदू मुस्लिम राइट छिड़ल बा, और एगो परिवार का दर्दनाक कहानी बा। पति का नाम हुसैन अली बतावल बा, पत्नी का नाम नूर जहां, और एक बेटा है जिस बेटा का नाम मफूज अली बताया गया, और एक बड़ी बेटी है, बेटा से भी बड़ी बेटी है जिसका नाम अरमान बताया गया। अरमान जवानी के दहलीज पर थी, निकाह का दिन रखा हुआ था उसका, और इसी बीच ये घटना घटी है बाबू। अपनी जिंदगी को अपने परिवार को बचाने के लिए आज हुसैन अली जो है उस परिवार का मुखिया अपने बीबी बच्चों को लेकर के रात में भगता है, गुजरात से लेकर के भगा। लेकिन अचानक रास्ते में अंधेरी रात है, घटना घट गई, जो जवान बेटी थी अरमान, अरमान का साथ छूट गया, अरमान कहीं और भटक गई, और ये अपनी बीबी और एक बेटा मफूज अली को लेकर के कहीं अलग भटक गया। लेकिन कभी एक लाइन तर्ज दिहलन है, कहा तर्ज का लाइन बा मास्टर, फिल्म का तर्जमा कवन की घर आवे में मां जा लेला राजा पियर बार के, अरे घर आवे में मां जा लेला राजा पियर बार के, हो राजा पियर बार के, अरे पिया ये बलमुआ, अब पिया ये बलमुआ ढूंढी में पाउच गार के। तर्जबा लेकिन कवि के भाव लिखे के पड़ल का, कि मचल को हराम गुजा, मचल को हराम गुजरात गोधरा कांड से, मच
गुजरात गोधरा कान गुजरात गोधरा नाम से केतने परैले मरैले केतने जान से केतने परैले जहां मालिक कसाई मिली कहा न्याय कैसे गुहार लगाई सुरक्षा हिंदुस्तान से लगता कि होई ना सुरक्षा हिंदुस्तान से सुरक्षा हिंदुस्तान से केतने परैले मरैले केतने जान से बाबू रात के वक्त है परिवार बिछड़ गया हुसैन अली का बेटी बिछड़ गई नौजवान बेटी है जिस बेटी का निकाह का दिन रखा हुआ था लेकिन वो बेटी रास्ता भटक जाती है देरी रात में अपनी जान को बचाने के लिए भागती 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 वो कहीं दूसरी तरफ भाग रही है और हुसैन अली अपनी बीवी और बेटा महफूज अली को लेकर के कहीं और भाग रहा है आखिर दोनों दो तरफ भाग गए लेकिन लड़की जो अरमान है भगते 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 पूरी रात चली है बाबूजी भगते भगते गुजरात में एक वापी स्टेशन है आप लोग जानते होंगे वापी स्टेशन पर वो लड़की पहुंच गई सुबह का बेला है रात भर जगी है भगी है जान के कितना आदमी को मुंह हो खेला लड़की के बार बिखरे हुए हैं कपड़े अस्त व्यस्त हैं रोते रोते दोनों आंखें सूज गई है मम्मी पापा के याद में कि मेरी मम्मी कहाँ होगी मेरे पापा कहाँ गए होंगे मेरा भाई कैसा होगा साथ छूट गया लेकिन बाहर प्राण जान बचावे खातिर लड़की वापी स्टेशन पर पहुंचल बे और संयोग देखे जो ही वापी स्टेशन पर पहुंचती है वो लड़की एक ट्रेन लगी थी अरमान सोचलस न समझलस दौड़ के जाके वो ट्रेन के बोगी में घुस गल और ये भी संयोग था ही बाबू की जो ही ट्रेन की बोगी में घुसती है अरमान अचानक को गाड़ी खुल जाती है अरमान को कुछ पता नहीं है कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी मैं कहाँ जा रही हूँ उसी तरह जाकर बोगी में बैठ गई गाड़ी खुल गई गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है अरमान के बार बिखरे हैं कपड़े अस्त व्यस्त हैं उसी तरह बोगी में बैठी है एक कोने में गाड़ी चलती गई चलती गई चलती गई दो रोज के बाद बाबू वो गाड़ी कहाँ पहुंची है पत्रिका में जैसा कि प्रमाण मिला दो रोज के बाद वो ट्रेन जा करके जम्मू के स्टेशन पर लगती है सभी यात्री उतरने लगे सारी गाड़ी खाली हो गई अरमान भी समझ गई कि इस गाड़ी का अंतिम पड़ाव यहीं तक है वो भी ट्रेन के बोगी से उतरती है और जो जम्मू के स्टेशन पर जो बेंच था उसी बेंच पर जाकर बैठ करके फफक फफक कर रोने लगी दो रात के जगी है आंखें सूजी हुई है रोते रोते मम्मी पापा भाई याद आ रहे हैं मेरी मम्मी कैसी होगी मेरे पापा कहाँ होंगे मेरा भाई कैसा होगा होने वाला जो शौहर था वो इस दुनिया में है या नहीं है ये भी उसे पता नहीं है रो रही है कि मैं कहाँ जाऊँ किसके यहाँ जाऊँ कौन मेरा सहारा बनेगा यही सोच रही है बाबू बैठ करके बेंच पर सोचते सोचते वो लड़की अरमान एक निर्णय पर पहुंच गई
सोच गई कि जब इस दुनिया में मेरा कोई बचा ही नहीं है तो मैं रहकर क्या करूंगी। अब इस नतीजे पर वो लड़की आ गई कि मैं क्यों ना आत्महत्या कर लूं, कम से कम मेरी आबरू तो भी बची है, मैं अपनी आबरू को जीते जी नहीं गंवाऊंगी। और देखें वो लड़की बैठ कर सोच रही है, रो रही है, और कुछ ही दूरी पर, थोड़ा सा दूर पर एक नौजवान खड़ा होकर के उस लड़की की सारी गतिविधियां देख रहा था। समझ गया वो लड़का, नौजवान जिस लड़का का नाम बताया गया मनोज यादव, हमारे पूर्वी बिहार वैशाली जिला का रहने वाला था वो लड़का रहने वाला है, और वही देख रहा है उस लड़की की गतिविधि को, सोच रहा है कि ये लड़की जल्द ही कोई न कोई कदम उठाएगी, कुछ न कुछ करने वाली है। और तब तक घटना घटती है बाबू, ट्रेन आती है प्लेटफार्म पर, और लड़की सोच गई कि चलकर मैं ट्रेन के सामने कूद जाऊं, कूद कर आत्महत्या कर लूं। जो ही बेंच से उठती है इंजन के सामने जाकर कूदने के लिए, दौड़ करके इंजन के पास जाते जाते इधर से लड़की दौड़ती है, उधर से मनोज यादव नौजवान दौड़ता है। उस लड़की अरमान को इंजन के नजदीक जाते जाते कलाई को पकड़ कर खींच करके एक तमाचा मारा, डांट कर बोला कि पागल हो गई हो, कौन हो तुम, क्यों जान देना चाहती हो, जानती नहीं हो आत्महत्या करना पाप है। लड़की झंझना जाती है, आंखों में आंसू है, हाथ जोड़कर कहती है कि भैया मैं तो जान देना चाहती हूँ, लेकिन आखिर तुम कौन हो मुझे बचाने वाला, तेरा हक क्या है मुझे बचाने का। नौजवान कहा कि ए लड़की, तुम मुझसे पूछती हो कि मैं कौन हूँ, तो सुन, मैं हिंदुस्तानी एक फौजी हूँ, हिंदुस्तान का रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं यहीं कार्यरत हूँ, ड्यूटी निभा करके मन बहलाने के लिए घूमने के वास्ते शाम के टाइम में चला आया इधर, तो मैं हिंदुस्तान का फौजी हूँ, फौज का जवान हूँ, हिंदुस्तान देखना, हिंदुस्तान के ऊपर कोई खतरा न आए, ये मेरा कर्म है और धर्म है। मेरा बिहार, पूर्वी बिहार वैशाली जिला में घर है, अब तू बता कि तू क्यों जान देना चाहती है। जब इतनी बात सुनती है वो अरमान के फौजी जवान है, बैठ जाती है और उस मनोज यादव की पांव पकड़ कर रोने लगती है, रो करके एक बात कहती है, बाबू क्या कहती है, अरमान रो के कहत बे कि फौजी सिपाही जी, फौजी सिपाही जी काहे लिहला हमारा के तू बचाए, फौजी सिपाही जी कि ये न जानल चाहत रहला कि हम कहां आत्महत्या कल चाहत बानी, ये दुनिया में हम नहीं की रहल चाहत। तो सुन ला हमार तनी कहानी बड़ा दर्दनाक बा। उ लड़की रो रो जम्मू स्टेशन पर ओ नौजवान फौजी मनोज यादव से बतावे लगल, का कहले बे, गुजराती अंदर गोधरा कांड से मचलता बाही भारी, मुस्लिम में राइट भाई लतबू, हिंदू मुस्लिम में राइट भाई लतबू, हिलल मनवता सारी की फौजी सिपाही जी, की फौजी सिपाही जी केतना लोगावा गईल हौन मराए, फौजी सिपाही बड़ी दर्दनाक हमार कहानी बा। फौजी सिपाही जी आगे तनी सुना, हमरा पर काबित हो।
अब्बा छुटले मम्मी छुटली, अब्बा छुटले मम्मी छुटली, छुटल छोटका भाई। भरल जवानी लगे बोला, भरल जवानी कहवा बोला, अब हूँ हम जाई फौजी सिपाही। अरे भरल जवानी लगे तू बोला, अब हम कहवा जाई फौजी सिपाही। फौजी सिपाही जी जीवन सतिया कहवा गइलन भुलाए। फौजी सिपाही जी ए बाबू लड़की रो के बतौलस, ओ फौजी मनोज यादव से बतावत बे जम्मू के प्लेटफार्म पर की भैया ए दुनिया में कुछ बचल ना बा, सब कुछ बर्बाद हो गल और कुछ बच गया है भैया तो मेरी आबरू बच गई है। और जीते जी मैं अपनी आबरू को नहीं गंवा सकती, तुम ही बताओ कि मेरा सब कुछ घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो गया और इस जवानी को लेकर मैं किसके यहाँ जाऊँ, किसके ऊपर विश्वास करूँ, कौन मेरी देख रेख करेगा, क्या विश्वास है भैया। इसलिए मैं मरना चाहती हूँ, आत्महत्या करना चाहती हूँ कि मैं मर जाऊं इस दुनिया में, जब मेरा कोई नहीं है तो मैं रहकर क्या करूंगी। कहा वो लड़का मनोज यादव हंस करके, कह रहे पागल आत्महत्या करना पाप है और तुम यही कहती हो कि तेरा कोई नहीं है, सब कुछ तेरा लूट गया। जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला भगवान होता है। चल मेरे साथ चल, मैं फौजी जवान हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी आबरू की रक्षा मैं करूँगा। और इतना ही नहीं बल्कि मैं तेरे मम्मी और पापा के बारे में पता लगवाऊंगा, तेरे परिवार के बारे में पता लगवाऊंगा। अगर पता चल जाएगा 2-4-10 दिन के अंदर मैं तुझे तेरे मम्मी पापा के घर तुझे पहुँचा दूंगा। चिंता मत कर, मेरे ऊपर विश्वास कर, मरता क्या नहीं करता बाबू। वो लड़की आखिर असहाय थी, वो लड़की चल देती है उस मनोज यादव के पीछे पीछे चल देती है और मनोज यादव लेकर के अपने फौजी बैरिक में जाता है जहां लड़कियों के लिए औरतों के लिए नो एंट्री है, केवल जवान रहते हैं, जिसको परिवार लेकर रहना है उसके लिए अलग क्वार्टर मिलता है, वो परिवार लेकर अपने अलग क्वार्टर में रहता है। लेकिन मनोज यादव तो अनमैरिड था, बैरिक में रहता था, अपने फौजी बैरिक में लड़की को लेकर जाता है, सभी लोग अवाक रह जाते हैं, कोई मजाक करने लगा, कोई कुछ कहने लगा, कोई बोली बोलने लगा। कहा मनोज यादव कि भैया गलत मत समझो, आखिर ये खबर पहुंची है कर्नल के पास और कर्नल जब सुना है बौखला जाता है कि मनोज यादव किसी अनमैरिड लड़की को ला करके बैरिक में रखा है, ऑफिस में तलब करता है, तलब होता है। मनोज यादव सारी कहानी जा करके बताता है कर्नल से कि साहब मैंने कोई गलत नहीं किया है, एक अबला की जान और आबरू दोनों बचाया है मैंने, कोई गलत नहीं किया। इस दुनिया में उसके माँ बाप खो गए और गोधरा कांड की मारी हुई ये लड़की है, मैं सोचा कि ले चलूं, आत्महत्या करने जा रही मैं ले करके आया, इसके मम्मी और पापा के बारे में परिवार के बारे में पता लगवाऊंगा, पता चल जाएगा इसके घर में परिवार में इसको पहुंचा दूंगा। कर्नल जब सुना है इतनी बात कहा कि शाबाश बेटा मनोज, शाबाश तूने एक बहुत ही नेक काम किया। फिर लड़की अरमान को तलब किया गया ऑफिस में, सारी हकीकत पूछा है वो कर्नल अधिकारी, जब कर्नल अधिकारी सारी हकीकत पूछा, सारी हकीकत बताई है वो अरमान, तो कर्नल के दिमाग में तुरंत एक बात कौंध गई, सोच गया कि यार इतना नेक काम किया है मनोज यादव, फर्क यही है कि ये हिंदू है ये लड़की मुसलमान है, लेकिन मनोज यादव भी अनमैरिड है और ये लड़की भी अनमैरिड है, तो जो नौजवान जिस लड़की की आबरू बचाया, इज्जत बचाया, जान बचाया, अगर इस लड़की का ये नौजवान मालिक बन जाए तो ऊपर वाला भी देखेगा तो खुश होगा। सोच करके यही बोला कि ये लड़की
क्या तुम मनोज यादव से शादी करना पसंद करोगी? मनोज यादव तुझे पसंद करेगा तो क्या तू पसंद करेगी शादी करना? अरे बाप रे बाप, जब इतना कर्नल साहेब कहलन तब वो लड़की बैठ के कपार पर हाथ धके लगल रोए। वही ऑफिस में आओ कर्नल साहेब से एगो बात कहलस। का कहलस? यहाँ वो एक लाइन तरज बा। का तरज का लाइन बा? ये हमरे कैसेट का गीत हो बाबा। छोटी मोटी निमिया कछिया बाबा, छोटी मोटी निमिया कछिया मंदिर लेकिन देखें अरमान नाम का लड़की ओ कर्नल साहब के ऑफिस में बैठ के कपारे हाथ धके रोए थे और कलश की साहब आप हमसे सवाल करत बानी कि अरमान क्या मनोज तैयार होगा शादी करने के लिए? तू शादी करना पसंद करोगी? और रोवत बेकार रो के कहले बे कर्नल साहब से, किस्मत के मारल हई, किस्मत के मारल हई, केहू ना सहारवा ये साहब, उन्हीं से पूछी उन पर काबा बिचारवा ये साहेब, उन्हीं से पूछी उन पर जिया भैया किया कि कस्ती फसल रहे मोरे बीच धारा, देई के सहारा कैलन, देई के सहारा कैलन कस्ती किनारा, मंगिया उधार मांगे हमारो से दूरवा ये साहेब,
उन्हीं से पूछल जाऊ, उन्हीं से पूछल जाऊ, उनकर का विचारवा ये साहेब, उन्हीं से पूछल जाऊ। सरकार अगर हमरे जिंदगी के मालिक बन जाए तो ऐसे अहोभाग्य का हुई, ये दुनिया में हमार के बा। लेकिन हमसे कहे आप सरकार पूछत बाणी, पूछे के ते आपके मनोज से चाही। अगर हम तैयार भी हो जाएं तो मनोज कह दियन कि वो मुसलमान की लड़की है, मैं हिंदू हूँ, शादी नहीं कर सकता। तो हमसे पूछले से कोनो फायदा न बा सरकार, मनोज यादव से ही पूछ लिया जाए। अगर उनका इरादा हो तो हमार सुरहाना इरादा हो, हम तैयार हैं। अरे कर्नल साहब जब इतनी सुनलन है, बोला कि बेटी, कर्नल अधिकारी बोला कि बेटी, भगवान ने मुझे बेटा तो जरूर दिया है लेकिन बेटी नहीं दिया, और तू मेरी धर्म की बेटी है, आज से तू मनोज यादव के साथ फौजियों के साथ बैरिक में नहीं रहेगी, मेरे क्वार्टर में रहेगी मेरे परिवार के साथ, तू मेरी धर्म की बेटी है। और मनोज यादव से कर्नल बोला कि मनोज ऐतिहासिक काम होगा बेटा, अपने घर खबर करो। आखिरकार मनोज अधिकारी के कहने से घर पर फोन किया है बाबू, बाबू तनी मनी कुरबुरैलन, इस साला दू भैंस के दूध पियोली, दौड़वली 4 बजे भोर में जगा के, नौकरी पकड़ लस ते आज अपने मन का हो गई। लेकिन बेटा के कहले से आज बाबू वही जम्मू में पहुँचल हुअन, आज जब पहुँचलन तो भयल का बाबू। फंस गई दोनों जिंदगी, ए भैया फंदे में फंस गई दोनों जिंदगी, रहेंगे साथ साथ भगवान खुदा के बंदे। आखिर भैल का बाबू कि मनवा मंगना मनो पहुंचे जम्मू के सहरिया, सेना अधिकारी सब लोग समझाई कहे, सब कर पगारिया, आखिर बाबू मान गेलन। और वही जम्मू के फौजियन के कैंप में बड़ी धूमधाम से शादी भइल, मन मुसुकाई आरा मन मुसुकाई आरा, मन मांगी सिंदूर डलले, रोवेली आरा मान धई मनोजा के पयारिया, थामिया जहां था साथ बीच में ना छोड़ी दी हा, घिरे नहीं सैया कबो गम की बदरिया, शादी हुई है बाबू बड़ी धूमधाम से, आज अरमान मनोज की दुल्हन बन गई। मनोज हंसी खुशी से फौजियों के बीच में अरमान के मांग को भरा है, सिंदूर डाला है, और जब सिंदूर डाल दिया मनोज तो अरमान नाम की लड़की वो रोती है और कहती है कि पति देव
आगे और मुसीबत आएगी, यहाँ से हमको घर लेकर चलेंगे तो आपको लोग ताना मारेंगे, गांव घर के लोग कि ये यादव होकर के हिंदू होकर के एक मुसलमान की लड़की से शादी किया है। तो उस समय हम लोग के जिंदगी में दरार नहीं आना चाहिए पतिदेव। मनोज हंसता है, कहता है कि अरे पागल, पागल जैसी मत बात कर, जीवन भर साथ रहने के लिए हमने कसम खाया है, तेरी मांगों को भरा है, तू मेरी अर्धांगनी है, मैं तेरा पति हूँ। आखिरकार बाबू देखें समय बीते लगल, दो चार दिन बुढ़ऊ बाबू रहलन, ले जाके मनोज यादव वैष्णो देवी के दर्शन करवलन, कालन बुढ़ऊ घरे डेरा पर लवट के आके कि ए बाबू खेती गृहस्थी का दिन बा, हमके गाड़ी पकड़ा दो, हम चल जाब, आ तू दो चार महीना बिता के छुट्टी लेके इकट्ठे एक आध महीना के आवा तक गांव में बहु भोज दे दिहल जाए, ताकि सब दुनिया जान जाए कि नहीं मनोज के ब्याह हो गल, गांव घर के लोग भोज ही खा के जाने लन कि नहीं फलाना फलाना के ब्याह भयल हो। आखिरकार बूढ़ा तो चली लन बाबू, सरकारी क्वार्टर मिल गया मनोज को, अपनी पत्नी को लेकर के रहने लगा। धीरे धीरे डेढ़ बरस के दिन गुजरल बा, वो डेढ़ बरस के अंतराल में मनोज के शरीर से वो अरमान लड़की का एक ठे बेटा पैदा भल, बेटा पैदा भल, लेकिन इतने में वो मनोज और अरमान के साथ एक घटना घट गल। मनोज के साथ घटना घटल, डेढ़ बरस बीतले के बाद अपनी बेटा को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर मनोज यादव ड्यूटी कर रहा था जम्मू में, तब तक उसका ताबदला हो गया, बदली हो गई, और ताबदला हो गया तो कहां पर होता है ताबदला बाबू, आकि बाघा बॉर्डर पर, जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सरहद है, वही बॉर्डर पर बदली भयल बा। आज अपने बीवी और बच्चा को लेकर के वहां जम्मू से जाता है बाघा बॉर्डर पर मनोज यादव, सरकारी क्वार्टर में अपने बीवी बच्चों को रखा है, तैनाती के साथ बाबू बाघा बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा था। एक रोज उस नौजवान के साथ एक घटना घटी, यहीं से कहानी मोड़ लेती है, ध्यान देंगे। आखिर घटना घटी है, आप लोग जानते हैं जिसकी ड्यूटी बॉर्डर पर होती है मात्र 2 घंटे की होती है, कोई फौजी नौजवान बॉर्डर पर सरहद पर केवल मात्र 2 घंटा ड्यूटी करता है, 2 घंटे में ड्यूटी बदल जाती है, तैनाती के साथ 2 घंटे तक ड्यूटी होती है। मनोज यादव क्वार्टर से निकलता है, 12 बजे रात को बॉर्डर पर सरहद पर ड्यूटी थी, अपने पत्नी अरमान से बोला कि देखो मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर, और एक काम करना कि सुबह में मैं अब आऊँगा, 2 घंटे की ड्यूटी करके सुबह में आऊँगा, सुबह तेरे हाथों का बनाया हुआ चाय पीऊँगा, बेटा को आराम से लेकर के क्वार्टर बंद कर लेना, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, आराम से रहना, समझा करके चला गया। 12 बजे रात को ड्यूटी कर रहा है बाघा बॉर्डर पर, 1K47 1K56 लेकर के सरहद पर ड्यूटी कर रहा है बाबू, एक हाथ में टार्च है और एक हाथ में 1K56 है। तब तक किसी ओर से आवाज आती है, और जब आवाज सुनता है मनोज यादव तो आवाज दिया कि कौन, आवाज आगे बढ़ती गई, उस आवाज का मनोज यादव पीछा करता गया, यही भूल हो गई, हुआ क्या बाबू, कि मनवा भराम कैलासी, नवा भराम कैलासी, धोखा ता कदीरिया हो डहरिया भूलले, मनवा भराम कैलासी, धोखा ता कदीरिया हो डहरिया भूलले, धैली हले पापी पाकिस्तानिया हो डहरिया भूलले, I'm not afraid.
चली गई ले गम में हिंदुस्तानिया हो डहरिया भूल ले आखिर उस नौजवान उस आवाज का पीछा करता गया। रात है, अंधेरी रात है, 156 हाथ में लिया है बाबू, देखें रास्ता भटक जाता है और रास्ता भटक करके थोड़ी देर के लिए हिंदुस्तान का सरहद छोड़ करके पाकिस्तान के सरहद में चला गया। यही तो जीव का काल हो गया जो ही पाकिस्तान के सरहद में घुसा है। ओ पाकिस्तानी फौजी चारों तरफ से आकर के और राइफल भिड़ा दिए, पकड़ करके लेकर चले गए पाकिस्तान की धरती पर। सुबह इधर हिंदुस्तान में हलचल मच गया, फौजियों में की मनोज यादव को पाकिस्तानी पकड़ कर लेकर चले गए। हलचल मचा है बाबू, लेकिन जरा अरमान की बात सुने। जो मनोज यादव की पत्नी थी सुबह सुबह में चाय बना रही थी, यही सोच करके कि बोल कर गए हैं कि सुबह में तेरे हाथों का चाय पीऊंगा। बेटा अभी सोया हुआ है जिसका उम्र मात्र 6 महीना का है, और सोया हुआ है तो इसके जगने से पहले मैं चाय बना लूं, नहीं तो जगता है तो बहुत परेशान करता है, यही सोचकर चाय बना रही थी। तब तक एक फौजी आता है और जब सारी बात बताता है, आवाक आवाक हो जाती है। ओयरमान नाम की लड़की रोने लगती है, सर पर हाथ रख करके बैठ जाती है कि हे खुदा, हे मालिक, हे प्रभु, ये तूने मेरे साथ कैसी कैसी घटना घटाता है। अरे एगो खिसा भोजपुरी में कहल जला बाबू की तरकुल से गिरल बबूर पर अटक गई। यह सोचत में लड़की की एक जगह से तो मेरा बर्बादी सब कुछ हो चुका था, दूसरा स्थान मिला था वो भी मेरा छीन गया। पाकिस्तानी फौजी मेरे पति मनोज को पकड़ कर लेकर चले गए। 6 महीना के बेटे को लेकर के हर राजनेता, हर मंत्री, हर अधिकारी के यहाँ दौड़ती रही, रोती रही कि मेरे मनोज यादव को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाया जाए किसी भी हालत में, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुआ। जब कोई ये बात नतीजा एक लाइन पर नहीं आई तो उठान लेती है मुसलमान की लड़की अरमान, और ठान करके करती है कौन सा कदम उठाती है बाबू। जहां माई बहन भोर में गंगा स्नान करे बदे जालिन तो गावल का गावल कि गंगा माई के ऊंची बाप, गंगा माई के ऊंची बाप, और हरिया नू हो ओ पर बैठे भागवान। भाई देख अरमान नाव के लड़की कैले काबे कि अरमान के टूटल यार मानवाना हो, अरे अरमान के टूटल यार मानवाना हो, चली भैली पाकिस्तान के टूटल यार मानवाना हो, चली भैली पाकिस्तान ता छोड़ा चली देश हिंदुस्तानवाना हो, छोड़ा चली देश हिंदुस्तानवाना हो, चली भैली पाकिस्तान। मनोज यादव के पता लगावे खातिर अरमान ओकर पत्नी वीजा बनवलस, पासपोर्ट बनवलस और पाकिस्तान का तैयारी कर दिलस। 6 महीना का बेटा का लेके पाकिस्तान के धरती पर जाके दर दर के भटकत बे, न कहीं रहे के ठौर ठिकाना बा, न कहीं खाना खाए के ठौर ठिकाना बा। नतीजा निकलल का भैया कि दरा दरा भटका हो जा पति का ठिकाना बा, अचके में बीमार भैला दीपा
खाना हो, दावा खातिर गईली दावा खाना वाना हो, चली भैली पाकिस्तानी। महीना का बेटा के लेके पाकिस्तान के धरती पर दर्दर के ठोकर खाते, लेकिन दिमाग में एक बात बा कि हमारे मनोज पति क्यों नहीं जेल में बंद हुन, कहां पाकिस्तानी बंद कैले हुन बाबू, कहीं पता न चलत बा। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, सात दिन, दस दिन गुजरल हो, आ जब दस दिन गुजरल बा कहीं ठौर ठिकाना रहे का ना बा, कहीं फुटपाथ पर रह लेत पे बेटा के लेके। हिंदुस्तान के क्लाइमेट का, हिंदुस्तान का क्लाइमेट और पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है बाबूजी, अंतर है। आखिरकार वो छोटा सा 6 महीना का नन्ना मुना शिशु बालक पाकिस्तान की क्लाइमेट को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बीमार पड़ जाता है। जब बीमार पड़ गई 6 महीना के लड़का, तब तय कर जान और खतरा में पड़ गई। सोचत बेकी ऐली पति के पता लगावे कि हमारे पति कहाँ हुन, और गोदी का बेटा का तबीयत खराब हो गल, अगर कहीं बेटा का कुछ हो जात बा ते दुनिया में हम मुंह दिखावे लायक न रह, न केहू हमार सहारा रहे। ए भैया ये सोच के कैसो कैसो ले के भागल बे, और छोट 6 महीना के लड़का के लेके पाकिस्तान के एक सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचल बे। सरकारी हॉस्पिटल में जाती है, देखती है कि लोग लाइन में खड़ा है। एक नौजवान पाकिस्तानी नौजवान एक पर्ची काट रहा था, और उस पर्ची को ले करके डॉक्टर के यहाँ जाना था। ये भी जाकर लाइन में खड़ा हो जाती है, और जब लाइन में खड़ा होती है, जब इसका नंबर आता है, जाती है नौजवान के पास, हाथ जोड़कर कहती है कि भैया जल्दी से पर्ची काट दो ताकि मैं अपने बेटा को डॉक्टर साहब से दिखा लूँ। कहता है कि ठीक है, बोलो अपना नाम बताओ। बोलती है कि अरमान, अरमान मेरा नाम अरमान है। कहा कि मरीज के मम्मी का नाम अरमान है? कही कि हाँ मरीज का मम्मी का नाम अरमान है। कहा कि मरीज का पिता का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है? बोली कि मनोज यादव। बोला कि मनोज यादव? बोला कि मरीज का क्या नाम है? बताई कि दीपक यादव। उसका हाथ कलम रुक जाती है, एक टक उस लड़की को देखने लगा वो नौजवान, और कहा डांट करके कि है लड़की, तुम्हारा नाम अरमान, तेरे पति का नाम मनोज यादव, तेरे बेटा का नाम दीपक यादव, इसका मतलब तुम मुसलमान हो, हिंदू से शादी की हो? हाथ जोड़ कर रोती है, कहती कि हाँ भैया मैं मुसलमान की लड़की हूँ और हिंदू से शादी की हूँ, मेरी पास मजबूरी है, मैं सब कुछ बता दूंगी, अगर जानना चाहते हो तो सब कुछ बता दूंगी, लेकिन कम से कम पर्ची तो काट दो ताकि मैं अपने बेटा को पहले दिखा सकूं डॉक्टर से। डांट कर बोला कि ये लड़की कहां से आई हो, जब तक पूरी बात नहीं बताओगी कि तुम हो कौन, तब तक तुझे न पर्ची मिलेगा और न कोई तेरे बेटे को डॉक्टर देखेगा। बेटा को लेकर के वही हॉस्पिटल में उस नौजवान पाकिस्तानी नौजवान के टेबल के नीचे बैठ जाती है, रोती है और कहती है कि भैया सुनो, जब मेरी दर्द भरी कहानी सुनना चाहते हो तो मेरी एक दर्दनाक कहानी है। और रो करके उस पाकिस्तानी नौजवान से वो लड़की बताने लगी। क्या बताती है बाबू? ये बतौले बे, रोत बे वो पाकिस्तानी नौजवान से बतावत बे कि जतिया धरा मावा छूटल बाप महतारी आया रे बाप महतारी जतिया धरा मावा छूटल बाप महतारी आया रे बाप महतारी हो छूटल भवनवा भाई हमार अनु हो नौजवान से बतावे लगल का धारा बीच डूबत रहा
वाली मोरे जीवन लाइया यार मोरे जीवन धारा बीचे डूबत रहली मोरे जीवन नाइया यार मोरे जीवन नाइया बनले मनोजा खेवन हारन हो करके शुरू से लेकर के गोधरा से लेकर के और उस पाकिस्तान की धरती तक को लड़की कहानी बताई है। कहती है कि भैया मैं किस्मत की मारी हूं, मेरा सब कुछ लूट गया था। अरे माँ छूट गई, अब्बा जान छूट गए, एक छोटा सा भाई था जिसका नाम मफूजली था। जब तक मुझे नहीं देखता था जिद करके खाना नहीं खाता था, उसका भी साथ छूट गया भैया और सब कुछ लूट गया। मुसीबत की मारी में जम्मू स्टेशन पहुंची मनोज, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रही थी और ये बचा लिया मुझे, मेरी जान भी बचाया, मेरी आबरू की रक्षा किया भैया। तो मैंने सोच गई मैं कि जब ये मेरी जान बचाया है, मेरी आबरू की रक्षा की है, तो यही मेरी जिंदगी की मालिक बन जाए तो इससे अच्छा और क्या है। जात धर्म सब कुछ भुला करके मैंने अपने जिंदगी की पतवार और जिंदगी का मालिक मनोज यादव को बना लिया। लेकिन आज भी मैं जहाँ रहती हूँ वो भाई याद आता है, जो भाई नन्ना मुन्ना सा मफूज अली मगर मुझे बगैर देकर खाना नहीं खाता। अच्छा तो वो लड़की बात बतावत पे वो पाकिस्तानी लड़का, और पाकिस्तानी लड़का वही बैठ के टेबल पर सर रख के कुर्सी पर बैठल और टेबल पर सर रख के और फूट फूट कर रो रहा है, रो रहा है। लड़की जब शांत भइल, एक नजर वो लड़का पर देखले भी पाकिस्तानी नौजवान पर, देखत भी कि पाकिस्तानी लड़का हमारी कहानी सुनकर रो रहा है। हाथ जोड़कर रोने लगी कि भैया मैंने तो अपनी बीती बात बताई, लेकिन मेरी बीती बात सुनकर तुम क्यों रो रहे हो। नौजवान अवाक है, खड़ा होता है और आ करके उस अरमान को, अरमान की दोनों बाहों को पकड़ कर उठाता। वो लड़का बोला कि अरे अरमान दीदी, जिस मफू जल्दी की तू बात कर रही है, तुझे नहीं देखता था तो खाना नहीं खाता था, वो मफू जल्दी कोई और नहीं, वो मफू जल्दी मैं ही हूं। वो लड़का पाकिस्तानी कोई और नहीं था बाबू, बल्कि उसी का भाई मफू जल्दी ही था। कहा कि कैसे तुम तो अपनी कहानी बता दी, लेकिन तुम सुनो कि हम लोग यहाँ पाकिस्तान कैसे आए। तुम्हें वहां से गुजरात से चलने के बाद जब भटक गए रास्ता, तुम छूट गई तो तुमको पापा बहुत खोजे, 3 दिन 4 दिन तक रह करके खोजा गया, तेरा पता नहीं चला। और जब तेरा पता नहीं चला तो हम लोग अपनी जान बचाते बचाते भागते भागते पापा हम लोगों को लेकर के यहीं बाघा बॉर्डर पर आ गए। मुसलमान थे ही बाघा बॉर्डर पर आए तो पाकिस्तान में हेलने के लिए जगह मिल गया, और जब पाकिस्तान में हेल गए तो मुसलमान थे ही हम लोगों को जगह जमीन भी मिल गया, यहीं पर अपनी जिंदगी बिताने लगे। आज अभी पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। दीदी चल, अब कोई दिक्कत नहीं है, चल के पहले पापा मम्मी से भेंट करो और पूरी बात बताएंगे। मनोज यादव तो एक बहुत ही नेक काम किया है, और तेरे ही लिए नेक काम नहीं किया बल्कि पूरी मुस्लिम मजहब के लिए, मुस्लिम कौम के लिए पूरा ये नेक काम किया है, तो मैं तेरा साथ दूंगा। और मनोज यादव को पता लगवाऊंगा कि पाकिस्तान के किस जेल में बंद पाकिस्तानी किए हैं।
आखिर वो लेकर के आता है बाबू, मम्मी से पापा से मिलती है, और जब मम्मी पापा से मिलती है तो एक तरफ मम्मी और एक तरफ पापा रो रहे हैं, एक तरफ वो बेटी अरमान देख करके अपने मम्मी पापा को रो रही है। एक अरसा के बाद बाप बेटी से मिला है, माँ अपनी बेटी से मिली है, उस समय का क्या दृश्य हो गया बाबू। लेकिन अब तो रहने का ठौर ठिकाना भी मिल गया अरमान को। अरमान पता लगावे लगल कि पाकिस्तान के कोने जेल में हमारे मनोज यादव बंद हुए। नतीजा निकलल का बाबू, हमरे बिरहा का मेन निचोड़ हो इतने में बात। कि अरमान खोज पति के, अरमान खोज पति के बनी के बवरिया बाबू, लागे नहीं कतही हो पतवा ठेकानी, भारतीय दूतावास कैली संपर्क भैया, भारतीय दूतावास कैली संपर्क भैया, मनोज तो पाटन अब कराची दरम्यानी, मनोज के मुकदमा देखत रहलन नूर हसन भैया, अरे जजवाली कुरुसी पर पवल श्रीमानी। तनी बात समझ ला, हमार बिरहा एकदम साफ साफ समझ में चली आई। पता लगावे लगल कहीं पता न चलत बा, और जब कहीं पता न चलल तो जो पाकिस्तान में भारतीय दूतावास है, दूतावास पर पहुंची है, अपनी सारी बीती बात बताई है, मनोज यादव के बारे में जब बताई है तो दूतावास पता लगाने लगे। पता चल गया कि हिंदुस्तान का फौजी मनोज यादव को पाकिस्तानी कराची के जेल में बंद किए हैं। अच्छा, तब तो पता चल गया, कराची में जाके मिलल हो अपने मनोज यादव से, कहलस की घबराइया मत, हिंदुस्तान का धरती छोड़ के पाकिस्तान के धरती पर आइल बानी आ तो के बाइज्जत बरी कराई, ए पाकिस्तान के जेल से बाइज्जत बरी करा के अपने हिंदुस्तान के धरती पर ले चल। पता लगावे लगल कि कवन जज हुआ जवन की मनोज यादव के केस देखत हुआ, इहो पता चल गई नूर हसन नाम का जज उस मनोज यादव की केस को देख रहा था। अच्छा, तो पहुंच गई सवेरे में 6 महीना के लड़का का लेके नूर हसन के पता लगावत लगाओ तुन के घरे। सवेर का टाइम बा, टेबल पर अखबार रखल बा, चाय का प्याला रखल बा, जज साहब चाय एक घूट पियत हुन, पेपर पढ़त हुन, तले 6 महीना के बचवा के लेके अरमान पहुंचल बे, जाके सलाम अलैकुम बोलल, देख रहा है कि कोई मुसलमान की लड़की है, गोद में बच्चा लिए, बोला कि कौन हो तुम, पूरा अपन शुरू से लेके अंत तक कहानी बतौले बे। अजब कहानी बतौले बे, तब भयल का बाबूजी कि मनोज के मुकदमा देखत रहलन नूर हसन भैया, जजवाली कुरुसी पवल हो श्रीमान, और मन पहुंच गईली जज के भवनवा दादा, हाँ रोई रोई अपना सुनावली हाँ बयान, और मन के बतिया सुन के बोलन तब जज साहेब, बेटिया का शर्त हमर लेबू तुह मान, छोड़े के भारत पड़ी अब तोहरा के सुना, रहे के पड़ी हमारा पुल का पाकिस्तान। जब पूरी कहानी सुना है नूर हसन जज, बोला कि बेटी तू मुसलमान की बेटी है, और मनोज यादव तेरे साथ जो किया है वो बड़ा नेक काम किया है, नेक इंसान लगता है, और पूरी मुस्लिम कौम के लिए वो नेक काम किया है, तो छोड़ूंगा जरूर मनोज को, जब तू मेरे पास हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आई
पैरवी लेकर तो छोड़ूंगा, लेकिन एक शर्त है। हाथ जोड़ के लड़की खड़ा हो कलश की, बाबू कौन शर्त हो? कहा हो नूर हसन जज, की शर्त यही है कि मैं छोड़ दूंगा तेरे मनोज यादव को, लेकिन अपनी मनोज यादव को लेकर के तुम्हें हिंदुस्तान नहीं जाना है, मेरे मुल्क पाकिस्तान की धरती पर ही रहना है। आवाक आवाक हो गई लड़की और अपने 6 माह के बच्चा को लेकर खड़ी हो जाती है। अरमान आंखों में आंसू लेकर कहती है कि साहब आपने तो फैसला सुना दिया, मुझे हिंदुस्तान नहीं जाना है, अपने पति को लेकर पाकिस्तान की धरती पर ही रहना है। आपने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन मेरी जवाब तो सुन लीजिए। खड़ी होकर के बाहर वो हिंदुस्तान की धरती, और बाहर हिंदुस्तान की धरती की वो बेटी, धन्य है वो बेटी और धन्य है वो माँ जो ऐसी बेटी को पैदा की है। जज साहब से बाबू देखें कितनी ऊंची बात वो अपनी बयान में बयां करती है। कहते हैं कि आपने अपना फैसला सुनाया, लेकिन मेरा जवाब तो सुन लीजिए कि मुझे पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान की धरती पर ही रहना है। तो सुनिए मेरा जवाब सुन लीजिए। वो लड़की जवाब क्या देती है बाबू, गौर फरमाएंगे। बाहर धन्य है वो लड़की, क्या जवाब देती है? कब्रिस्तान का कैलब पसंद, हम भारत के कब्रिस्तान का करब ना पसंद, कबो तुहरा पाकिस्तान के करब ना पसंद, कबो सुन लो। मेरा पति जिंदगी भर पाकिस्तान के जेल में रह जाएगा, यहीं मर जाएगा, इसकी अंतिम संस्कार करोगे या नहीं करोगे? मैं अपने छोटा सा 6 माह के बच्चा को लेकर जा रही हूँ, जा रही हूँ, उसी पति का निशानी है ये मेरा बेटा, इस बेटा को लेकर के जिंदगी बिता दूंगी, पूरी जवानी जार दूंगी, लेकिन जाकर हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान के कब्रिस्तान को पसंद करूंगी, हिंदुस्तान की मिट्टी को पसंद करूंगी। मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी तो हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान की मिट्टी से मेरा कब्र बनाएंगे, लेकिन कदाप कदाप तेरे पाकिस्तान ना पाक पाकिस्तान की मिट्टी को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, न कभी यहाँ रह पाऊंगी, जा रही हूँ। अरे बाप रे बाप, कह करके चल देती है वो अरमान लड़की 6 माह के बच्चा को लेकर। और जब वो नूर हसन जज सुना है तो हुआ क्या बाबू? बात सुन के जज साहेब के माथा गईल चकराई, छोड़ब बेटी जरूर, छोड़ब बेटी जरूर, मनोज के कुछ दिन समय बिताई, राजनेता के बेटा कुर्सी पावे हिंदुस्तान का, करब ना पसंद, कबो तुहरा पाकिस्तान के करब ना पसंद। नूर हसन का माथा ठनक गया बाबू, जब ही दरवाजे पर पहुंची है एक बार नूर हसन के मुंह से आवाज आई कि बेटी, और जब बेटी शब्द सुनती है ओ अरमान तो पैर रुक जाता है। कहा नूर हसन की बेटी एक बात नहीं सुनोगी? पीछे मुड़कर देखती है, आंखों में आंसू है उस अरमान की, और रो करके कहती है कि बाबूजी अब कहने के लिए रही क्या गया,
आपने तो फैसला सुना चुका है कि मुझे अपने पति को लेकर के पाकिस्तान की धरती पर ही रहना है। नूर हसन कहता है कि बेटी कभी कभी फैसला बदलना भी पड़ता है, वक्त वक्त की बात है, कभी कभी फैसला बदलना भी पड़ता है। तेरी बात को सुन करके मेरे शरीर के रूह कांप गए और मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया, आखिरकार फैसला बदल ही दिया। तेरे मनोज यादव को जरूर छोड़ूंगा, तू लेकर के अपने हिंदुस्तान की धरती पर चली जाना, लेकिन बेटी तू धर्म की बेटी है और हिंदुस्तान की धरती पर मनोज यादव को ले जाओगी मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन उसको छोड़ने में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में कुछ वक्त लगेगा, 2 महीना 4 महीना लग सकता है। दौड़ करके जा करके नूर हसन की पांव को पकड़ लेती है अरमान और कहती है कि बाबूजी 4 महीना नहीं 6 महीना लग जाए, साल भर लग जाए, लेकिन मेरा पति मनोज यादव बाइज्जत पाकिस्तान की धरती से छूटना चाहिए, ऐसा ही होगा। बोला नूर हसन के ऐसा ही होगा। आखिर बाबू 5 महीना के बाद प्रमाण मिला पत्रिका में कि 5 महीना के बाद ओ नूर हसन पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके कि बाद में फिर कोई दिक्कत न हो अरमान बिटिया को, पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी किया और 5 महीना के बाद उस कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना फैसला सुनाया और मनोज यादव पाकिस्तान के जेल से बाहर निकला। जिस समय बाहर निकला है, बाहर जेल के खड़ी है ये अरमान अपनी बेटा को लेकर के, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को लेकर खड़ी है, सबका परिचय कराती है, सबका पांव छूता है। मनोज यादव खुशी से सभी लोग भर गए, हाथ जोड़ करके अपने मम्मी पापा से अरमान बोलती है कि मम्मी पापा आप लोग यहीं रहिए, पाकिस्तान की धरती आप लोगों को मुबारक हो, लेकिन मम्मी पापा मैं अपने पति के साथ हिंदुस्तान की धरती पर जाना चाहती हूँ और हिंदुस्तान की धरती पर जाऊंगी, मेरा कब्र हिंदुस्तान की धरती पर है। आखिर प्यार और देश प्रेम देख करके मम्मी पापा नहीं रोक सके। आज हुसैन अली की पत्नी नूर जहां और हुसैन अली का बेटा मफूज अली, सभी लोग आते हैं यहाँ पर छोड़ने के लिए बाघा बॉर्डर पर मनोज यादव को और अपने बिटिया रानी को। मनोज यादव अपने पत्नी अरमान को लेकर के जब बाघा बॉर्डर पार करता है, बाघा बॉर्डर के पार करके हिंदुस्तान की धरती पर हेला है, तो सबसे पहले हिंदुस्तान की मिट्टी को उठा करके अपने माथे पर लगाया है और एक बार पीछे मुड़ कर देखा तो उसके पाकिस्तान के धरती पर उसके सास, उसके ससुर और उसके साला खड़ा होकर के दोनों हाथ हिलाते हैं, बाय बाय करते हैं। उधर से सास ससुर साला हाथ हिलाते हैं और इधर से मनोज यादव और मनोज यादव की पत्नी अरमान अपने मम्मी पापा को हाथ हिला करके और बाय बाय करते हुए लोग हिंदुस्तान के धरती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखते ही देखते थोड़े ही देर में इतना दूर जा चुके हिंदुस्तान की धरती पर अंदर आ चुके ओ मनोज यादव अपनी पत्नी अरमान और बेटा दीपक यादव को लेकर कि मफूज अली और नूर जहां और हुसैन अली के नज़रों से कुछ ही देर में वो दोनों बेटा और उसकी बेटी, मतलब उसका दामाद और उसकी बेटी दोनों नज़रों से ओझल हो गए। आखिर लेकिन वो लड़की कहाँ जाती है बाबू, कहानी यही खत्म नहीं हुई, वो लड़की कहाँ जाती है? सबसे पहले वो लड़की अपने पति मनोज यादव को लेकर के आती है उसी जगह पर, उसी फौज में आती है जहां से वो ड्यूटी में लगा था और ड्यूटी से उसका अपहरण हुआ था, वो पाकिस्तान की धरती पर पहुंचा था, आती है अपने पति मनोज यादव को लेकर के कर्नल के सामने, कर्नल को सलूट मारती है और जब कर्नल देखा है मनोज यादव को तो हाथ जोड़कर ये लड़की बताई कि साहब अपने मनोज यादव को बाइज्जत
पाकिस्तान की धरती से हिंदुस्तान की धरती पर बाइज्जत बरी करा करके लाई हूँ। अवाक अवाक हो जाता है वो कर्नल, पूरे फौजी अवाक हो जाते हैं और वो कर्नल उस लड़की अरमान को सलूट मारता है, कहता है कि धन्य हो बेटी, तेरे ही जैसे हिंदुस्तान की धरती की को बेटियों की जरूरत है, तेरे ही जैसे बेटियों की हिंदुस्तान को जरूरत है बेटी, धन्य हो तू और धन्य है तेरी माँ जो तेरी जैसी बेटी पैदा की है। अरे जो फौजी नहीं कर पाए, जो फौज की कानून नहीं कर पाई, जो हिंदुस्तान के नेता नहीं कर पाए, आज एक हिंदुस्तान की लड़की हो करके तुम करके दिखा चुकी हो और दिखाई हो और धन्य है तेरी माँ। आज मनोज यादव उसी जगह पर फिर उसकी ड्यूटी लगती है बाबू, दोबारा ज्वाइन करता है, आज भी मनोज जिंदा है, मनोज यादव अपने बीवी बच्चों को लेकर के आज भी अभी ड्यूटी कर रहा है। इसीलिए इस गाने का मैंने शीर्षक रखा था हिंदुस्तान से पाकिस्तान, ये गाना का हम शीर्षक रख ली हिंदुस्तान से पाकिस्तान, हमारे गाना का अंतिम लाइन हो का जय जखाण गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, कथन करे कभी विजय शंकर अनुज की तैयारी, अरे फंदे में फंस गए दोनों जिंदगी, यादव ओम प्रकाश भगवान के सच्चे बंदे, फंदे में।